डीडी मध्य प्रदेश का एक बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है और जो कि सोमवार से शनिवार प्रसारित होता है दोपहर 12 से 1 के बीच में। तो जैसा कि हमारे कार्यक्रम का एक सेगमेंट होते हैं, उन सेगमेंट्स को लेकर हम चलते हैं और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जैसा कि हमें हमारे जो हिंदू धर्म में सिखाया जाता है कि हमें कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले तिथि का जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कार्यक्रम में आज की तिथि। तो दर्शकों, आज की तिथि जैसे कि 17 जून 2023 दिन शनिवार का है आज, और हिंदू वर्ष के हिसाब से विक्रम संवत 2080 आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है आज। तो ये थी आज की तिथि और आज के दिन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो दर्शकों, जैसा कि कहा जाता है कि हमारा जो आज है वो कल हमारा इतिहास बनता है, जो कि आज की घटनाएं हैं वो कल इतिहास में याद की जाती हैं। तो चलिए पलटते हैं कुछ इतिहास के पन्ने। तो आज जैसा कि 17 जून है और आज के दिन के इतिहास की बात करें तो 1756 में आज के दिन नवाब सिराजुद्दौला ने 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, उस पर आक्रमण किया था। आज ही के दिन 1858 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नायिका झांसी की रानी का शहीद दिवस मनाया जाता है। और आज ही के दिन 1917 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम के हृदय कुंज में अपना निवास बनाया था। और 17 जून की ही बात करें तो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश राज्य के भूतपूर्व प्रधान मुख्यमंत्री कैलाशनाथ कारजू जी का जन्म हुआ था 1887 में आज ही के दिन। और आज ही के दिन की बात करें 17 जून की तो 1973 में भारत के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का जन्मदिन था। और हिंदी चलचित्र अभिनेत्री अमृता राव, जिन्होंने बहुत अच्छी कलाकारी अपनी दिखाई थी, अभिनय किया था विवाह मूवी में, उनका आज जन्मदिन है। 1981 में उनका जन्म हुआ था। और आज ही के दिन देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान जिनका नाम तेजस आप सभी जानते होंगे, बेंगलोर में आज ही के दिन यानी 2008 को सफलतापूर्वक इनका परीक्षण किया गया था। तो दर्शकों, ये था आज का इतिहास जो कि इतिहास है, और हमें हमारे स्वर्णिम इतिहास को याद करते रहना चाहिए। जैसे कि आज के दिन की बात करें तो आज ही के दिन हमारी वीर जो वीरांगना थी लक्ष्मीबाई जी, आज ही के दिन शहीद हुई थी, तो उन्हें भी हम नमन करते हैं। हमारी मध्य प्रदेश डीडी मध्य प्रदेश की पूरी टीम उन्हें नमन करती है, सादर नमन करती है और श्रद्धांजलि अर्पित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जैसा कि हमारे जो विचार हैं कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को झलकाते हैं और व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो चलिए जानते हैं आज का एक सकारात्मक सुविचार। तो आज का सुविचार है कि आत्मविश्वास ही व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। वक्त इंसान को पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। तो ये था आज का सुविचार, और इसमें एक सकारात्मकता आप सभी देख पा रहे होंगे कि इस सुविचार में हमें ये बताया है कि हर व्यक्ति जिंदगी भर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है अगर वो आत्मनिर्भरता को लेकर आगे बढ़ता है, और आत्मनिर्भरता के साथ साथ आत्मविश्वास से भरा होता है तो उसकी जो इच्छाएँ हैं वो ज़रूर पूरी कर पाता है, और जो एक सीखने की कला जीवन में होनी चाहिए अगर वो उसको लेकर चलता है तो उसे सफलता मिलना निश्चित है। तो इसी सुविचार के साथ अब हमारे कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, और जैसा हमारे कार्यक्रम का नेक्स्ट सेगमेंट होता है, हमारे आज की चर्चा किस विषय पर होगी उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं कि रोज़गार में स्टार्टअप की क्या भूमिका है, क्योंकि आज हमारे जो युवा है वो स्टार्टअप की तरफ कुछ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है और वो बहुत अच्छा एक सकारात्मक परिवर्तन है। तो आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे, तो हमारा विषय नोट कर लीजिए, आज हम बातचीत करने वाले हैं रोज़गार में स्टार्टअप की क्या भूमिका है, इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं। और इस विषय पर हम बातचीत करेंगे लाइव फ़ोन इन हमारा जो कार्यक्रम है आज का, और उसके लिए आपको वो नोट करना होंगे हमारे टेलीफोन नंबर्स। तो जल्दी से नोट कर लीजिए टेलीफोन नंबर्स, हमारे टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं 07552660049, और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हैं आप, वो है 1800-233-0040।
और आपका जो विषय है वो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी युवा स्टार्टअप में अपना रोज़गार तलाशते हैं या सोच रहे हैं कि स्टार्टअप से किस तरह से वो अपना रोज़गार बना सकते हैं, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और उसी विषय पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे आज स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं मिस्टर संजीव शर्मा, जो कि फाउंडर हैं, CEO हैं स्वायत्त रोबोट से। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए जी। और हमारे साथ हैं दर्शकों महेश प्रसाद सक्सेना जी, जो कि बाल साहित्यकार हैं। उनसे भी हम उनके जीवन के जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, चर्चा हैं, और जो उनकी कविताएं हैं, कहानियां, उनसे पूछेंगे। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, मैंने जैसा आपको बताया कि रोज़गार की संभावनाएं स्टार्टअप में क्या होंगी और क्या भूमिका होगी स्टार्टअप की एक अच्छे रोज़गार को बनाने के लिए, तो सबसे पहला प्रश्न मेरा जो हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनसे है कि जो स्टार्टअप है वो जो आपने शुरू किया, उसके लिए सबसे पहले आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से आपके मन में आइडिया आया, आप ये बताएं हमारे दर्शकों को। जय श्री राम एवरीवन। सो मैं 2011 BTech IIT रुड़की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ। एंड जो मेरा जो स्टार्टअप का आइडिया, जब मैं 4th semester अंडरग्रेड में आया था, तो मैंने US में होने वाले एक कंपटीशन जिसका नाम DARPA अर्बन और ग्रैंड चैलेंज था, वहाँ पे मैंने ऑटोनमस ड्राइविंग व्हीकल्स को चलते हुए देखा था जब मैं 4th semester अंडरग्रेड में आया था। एंड तभी से ये लाइफ का गोल बन गया था कि दुनिया के सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैफिक और एनवायरमेंट कंडीशन में हमें ऑटोनमस ड्राइविंग, जो मेरा स्टार्टअप का जो प्राइमरी फोकस है, हम ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, ड्राइवलेस टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जी। तभी से ये लक्ष्य मतलब मुझे प्राप्त हो गया था कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एंड तब से मैंने, जब मैं अंडर गया था, तभी से मैंने सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टडी करना चालू किया था। एंड तभी से मेरा रिसर्च फोकस मशीन लर्निंग एंड जो ब्रांचेस होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स मेरा प्राइमरी रिसर्च एरिया बन गया। एंड 2011 तक जब मैंने BTech खत्म किया था, तब से तब तक मैंने काफ़ी सारी नॉलेज गेन कर ली थी इस एरिया में वर्क करने के लिए। लगभग 2012 तक मैं इसराइल में था, 2011 से 12, जहाँ पे मैं इन्हीं एरियाज में रिसर्च कर रहा था कि ऑटोनमस व्हीकल्स और रोबोट्स कैसे टफ एनवायरमेंट और ट्रैफिक कंडीशन में सॉर्ट ऑफ डिसीजन ले सकेंगे, ताकि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को एक दिन वर्ल्ड लेवल पे स्केल कर पाएँ। लगभग 2012 से 14 मैं कनाडा में था, जहाँ पे मैं MS कर रहा था कंप्यूटिंग साइंस में। एंड 2014 में मेरा एडमिशन हो गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट कंप्यूटर साइंस PhD प्रोग्राम में, जो कि वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी है। बट 2014 में क्योंकि मैं जब लाइक 2009 जनवरी से मेरा गोल था मुझे ऑटोनमस ड्राइविंग व्हीकल में सॉर्ट ऑफ वर्क करना है एंड उसको स्केल करना है, सो 2014 में मैं भारत वापस आ गया। एंड 2015 में अपनी कंपनी रजिस्टर करके फुल टाइम मैंने इसी में वर्क करना स्टार्ट कर दिया जी। जो आपने अभी तक बताया उसमें, आपकी जो मैं बातें सुन रही हूँ उसमें मुझे एक चीज़ बहुत ही संजीव जी सुनने के लिए, और मेरे जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं आपको, आपने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपने काम करना शुरू किया, जो कि आप 2011 में कर चुके हैं, उस पर वर्क कर चुके हैं। आज हमारे भारत में, हमारे पूरे देश में आर्टिफिशियल जो इंजीनियरिंग है उसको लेकर काफ़ी काम किया जा रहा है, तो उस समय से आज के समय में कुछ परिवर्तन आया है, जो चीज़ें आज हो रही हैं क्या आप उन पर काम कर चुके हैं? जी बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI एक बहुत बहुत बड़ा एरिया है जी। एंड इसमें मतलब ये कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का मतलब एक 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 मिला जुला एरिया है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI बोलते हैं। सो जब मैं अंडरग्रेड में, जब मैंने BTech किया था, तब मेरा गोल था कि अपने आप को मैथमेटिकली ट्रेन करना इस लेवल तक कि एक दिन मैं इस तरह की टेक्नोलॉजी बना पाऊँ और इस तरह का प्रोडक्ट बना पाऊँ, इस तरह का प्रोडक्ट को लाइक दुनिया के सबसे टफेस्ट ट्रैफिक एनवायरमेंट कंडीशन में चला सकें हम लोग। सो तभी से ये गोल बन गया था कि मतलब इस एरिया में जितना भी डेप्थ हो सकता है, मैंने उस डेप्थ में जाके मतलब पढ़ाई करी। एंड आज अगर हम देखें 2016 के अराउंड परिवर्तन आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, जहाँ पे अगर आप देखें तो डीप लर्निंग एक सबसे जाना माना टॉपिक है आज के युग में, कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑलमोस्ट डीप लर्निंग सॉर्ट ऑफ एक पैरेलल मतलब एक सिनोनिम बन गया उसका। सो हमारा जो स्टार्टअप है और जो मेरा जो रिसर्च एरिया है, उसमें आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जो भी टेक्नोलॉजी में जो भी अपग्रेड या जो विकास हो रहा है,
आपको उससे लगातार मतलब अपने आप को अपडेट रखना होता है। और क्योंकि हम लोग का जो स्टार्टअप जो कंपनी है और जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, सो हम लोग ना कि केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सॉर्ट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिथम बना रहे हैं, बल्कि हम लोग एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ भी काम कर रहे हैं। जैसे अभी आने वाले युग में 2024 और 25 के समय में ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो कि एक सब ब्रांच है एआई की, वो काफ़ी फेमस होने वाली है। हम लोग ऑलरेडी 2017 से उस एरिया में भी न केवल वर्क कर रहे हैं, बल्कि नॉवल जो एकदम नए तरह के जो एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि रोबोट्स और ऑटोनमस व्हीकल्स को भारत जैसे एकदम टफ ट्रैफिक में चलाने लायक बनाते हैं, उन पर हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं। जी, मैं आपसे और भी बहुत कुछ जानना चाहूँगी। आपके स्वायत्त जो रोबोट आपने बनाया है, आपने एक स्टार्टअप शुरू किया है, लेकिन हमारे साथ महेश सक्सेना जी भी हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगी क्योंकि वो बाल साहित्यकार हैं और आप बच्चों से जुड़ी हुई कविताएं, कहानियां, पहेलियां, उन सब को लेकर आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी कि ये प्रेरणा कैसे आई आपको कि आपको बच्चों के लिए लिखना है, उनके लिए कहानियाँ बुनना है। ऐसा है कि मैं एक बहुत ऐसे गांव में पैदा हुआ जहां बिल्कुल यानी मेरे घर के आसपास बहुत झुग्गियां थीं और वहां बच्चे रहा करते थे जी। मैं उनके बीच जब जाता था, रहता था, खेलता भी था बल्कि यानी, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो बच्चे अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि उनके कोई शालाओं में और कहीं भी कोई पूछ परख नहीं होती जी। फिर उनमें मुझे भाषा का भी वो दिखाई देता था, वो कि वो शुद्ध नहीं बोल पाते हैं यानी। तभी से एक मन में एक इच्छा थी कि मैं कुछ बच्चों के बीच काम करूंगा, क्योंकि मैं उस समय स्वयं भी छोटा था जी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, फिर जब मैं यहाँ भोपाल में रहने लगा तो वहाँ भी संयोग से मुझे ऐसे इलाका रहने को मिला जहाँ आस पास बहुत छोटी आय के बच्चे और वो परिवार रहा करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को भाषाई संस्कार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बच्चे शुद्ध लिखें, अच्छा बोलें, अच्छा लिखें, और दूसरी उनमें जो प्रतिभाएं हैं उनको किस तरह से हम चिन्हित करें उनको, और किस तरह से उनको कोई मंच प्रदान करें। बिल्कुल। तो इस दृष्टि से मैंने बच्चों के लिए लिखना भी चालू करा और बच्चों के बीच काम करना भी मैंने चालू करा। जैसे हर रविवार को मैं बच्चों के बीच अपने घर पर बुला लेता था बच्चों को, फिर उनसे उनकी विभिन्न प्रतिभाओं के बारे में जी, कौन बच्चे में कौन सी प्रतिभा है। कभी कभी मैं हिंदी व्याकरण, कभी अंग्रेजी व्याकरण भी उनको बताता था जी। और शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखने पर मेरा ज़्यादा जोर रहता था, अच्छा लिखें जी। कुछ आपकी आपकी किताबें भी आपने बहुत सारी लिखी हैं, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी मैं चाहूँगी कि आप वो किताबें दिखाएँ जो आपने लिखी हैं, तो कृपया दिखाएँ हमारे दर्शकों को। इस किताब का नाम बताएं हमारे। ये अट्टू बट्टू ये एक कविता संग्रह है और ये गीता वनी वृक्ष मित्र जी, ये कहानी संग्रह है जी। और पापा के पापा, ये इसमें बड़ी रोचक कविताएं हैं और जिसमें पापा के पापा स्वयं बहुत अच्छी कविता के सारे परिवार के जो हमारे रिश्ते हैं उनके बारे में बच्चों को इसने बताया है जी। आओ इन्हें उतारे मन में जी। ये ऐसा कविता संग्रह है जिसमें महात्मा गांधी, राजेंद्र बाबू, तिलक जी, सुभाष चंद्र बोस, अपने पटेल, इन सब के बचपन को मैंने विनोबा जी का ही बचपन इसमें कविता में जी, लिखा है जी। और जल ही कल है, ये भी एक मेरा बाल कहानी संग्रह है जी। हंसते पौधे गाते पेड़, ये भी एक कहानी संग्रह है मेरा जी। और इसके अलावा भी मैंने और बहुत सारी कुछ पहेली की भी किताब भी मेरी, पहेलियों के भी, ताकि बच्चे पहेलियाँ भी, और पहेलियाँ वो जो हैं वो सब महापुरुषों के ऊपर ही मैंने लिखी हैं जी। तो यहाँ पर दर्शकों एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बाल साहित्य पर अपना रुझान बढ़ाया, तो अगर कोई बच्चे जो साहित्य की तरफ आकर्षित होते हैं या उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, तो उन्हें आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? इन बच्चों के लिए तो मैंने 2007 में बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र की स्थापना की जी, जो नॉर्थ चीटनीगढ़ में
स्थित है कस्तूरबा हायर सेकेंडरी स्कूल के बिल्कुल पीछे। वहाँ बढ़िया सुंदर सजा हुआ हॉल है, माइक है, कुर्सियाँ हैं, मंच है, और वहाँ बच्चे आते हैं। बढ़िया लाइब्रेरी है हमारे पास, हजारों पुस्तकें बाल साहित्य की हमारे पास लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। तो बच्चे आते हैं तो हम उनको माइक पर पढ़ने के लिए पुस्तकें, कहानियों की, कविताओं की देते हैं, और हम देखते हैं कि वो किस तरह से उनका भाषण, कविता पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ें, कहानी पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ें, शुद्ध पढ़ रहे हैं कि नहीं। और कभी कभी हम उनसे उनके चित्रकला है, नाटक है, और जो भी उनका जो टैलेंट है उसको हम देखते हैं, और फिर जिसका जिस दिशा में रुचि है उसमें मैं बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता हूँ। और बाल साहित्य को बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारे लेखकों को प्रोत्साहित करा है। बाल साहित्य में PhD करवाने का भी हमारा केंद्र जो है वो मदद करता है। जी, तो बहुत अच्छी, हमें हमारे साथ महेश प्रसाद सक्सेना जी हैं जो कि बाल साहित्यकार हैं, बच्चों के लिए लिखते हैं, उनकी ये कहानियाँ बुनते हैं, पहेलियाँ तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ हमने थोड़ी सी शिक्षा की बात करी, बच्चों को एक उनके सर्वांगीण विकास को बहुत ज़रूरी है, उनको बहुत अच्छा उनका विकास करना, तो उसके लिए हम बात चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे जीवन में जो फिटनेस होती है, मतलब जो एक हमारी जो रोज़मर्रा की जो अभ्यास होती है, शिक्षक का के साथ साथ ये भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि किस तरह से आप अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज फिटनेस में क्या है, आइए देखते हैं। आज फिटनेस में हम रोज़ आपको बताने वाले हैं योग के बारे में, क्या है योग और किस तरह से आप घर पर ही रहकर अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आइए दर्शकों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं भुजंगासन। विनल बताइए भुजंगासन। ये आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है। दोनों हाथों को ले आइए चेस्ट लाइन, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा जुड़ा हुआ, चिन जमीन पर। श्वास लेते हुए पूरा उठ जाइए, कोहनियां सीधी कर देंगे, हल्का सा ऊपर की तरफ देखेंगे। उसी प्रकार धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, रिलैक्स। इसके बाद आपको वज्रासन की विधि बताते हैं। दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में सामने फैला लीजिए। अब एक पैर फोल्ड करके मोड़कर हिप के पास में, उसी प्रकार दूसरा पैर फोल्ड करके हिप के पास में ले आइए। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख दीजिए। दोनों आंखों को बंद करके आपका ध्यान, आपकी सजगता स्टमक के ऊपर रहेगी, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। कुछ सेकंड्स इसी प्रकार स्थिति में रुकिए। धीरे से श्वास छोड़ते हुए आइए वापस। इसके बाद देखते हैं अश्व संचालन की विधि। ये आसन खड़े होकर किया जाता है। पैर आपके पास पास रहेंगे। पहले श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ तानिए, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तानिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों के पास लेकर आइए। इसके पश्चात एक पैर पीछे लेकर जाइए, दूसरा पैर दोनों हाथों के बीच में ही रहेगा और ऊपर की तरफ आप देखेंगे। अश्व संचालन आसन, यहाँ ये ध्यान रखिए कि आपके पंजे से आपका घुटना बाहर की तरफ ना जाए, जिससे आपके घुटने पर एडवर्स प्रेशर ना आए। इससे वापस आने की स्थिति देखिए, हल्का सा पीछे की तरफ जाइए और दूसरे पैर को आगे लेकर आइए। पहले घुटने सीधे रखें, श्वास लेते हुए वापस उठिए 90 डिग्री
और धीरे से आइए नीचे, रिलैक्स। अब देखते हैं नौकासन, बोट पोज। इसके लिए पहले आप पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैरों को श्वास लेते हुए 30 डिग्री उठाइए, इसके पश्चात हाथ और फिर धीरे से सिर को उठाइए, बॉडी को एक बोट लाइक शेप में लाइए। जब आप ऊपर आ जाएं तो ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए, यथाशक्ति जितना आप रुक पाएं उतना रुकिए। इससे वापस आने के लिए पहले सिर, फिर हाथ और फिर पैरों को नीचे लाइए, धीरे से रिलैक्स। तो देखा दर्शकों आपने कि जो योग होता है वो हमें शारीरिक रूप से तो फिट करता ही है, साथ ही आपको मानसिक शांति और मानसिक जो एक प्रबलता है वो भी देता है। तो योग ज़रूर करना चाहिए अपने जीवन में, योग को ज़रूर उतारिए। तो अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जैसा दर्शकों हम आज बात कर रहे हैं रोज़गार में स्टार्टअप की क्या भूमिका है, उस पर हमारे साथ हैं संजीव शर्मा जी जो कि स्वायत्त रोबोट के फाउंडर हैं और सीईओ हैं। तो हम आपसे बात कर रहे हैं और जैसे कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो आपने स्टार्टअप शुरू किया उसका क्या नाम है, पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे स्टार्टअप का नाम स्वायत्त रोबोट्स है जी। स्वायत्त एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग इंग्लिश में ऑटोनमस होता है जी। तो अब मुझे ये बताइए कि मार्केट एनालिसिस जो है वो कितना ज़रूरी होता है एक रिसर्च को करने के लिए, रिसर्च में कितनी बड़ी भूमिका होती है इसकी? बेशक किसी भी स्टार्टअप को करने के लिए आपको आपका मार्केट डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली पता होना चाहिए। जैसे हम लोग का जो स्टार्टअप है लाइक उसका अगर आपका स्टार्टअप का मार्केट मान लीजिए फ्यू 100 करोड़ रुपीज़ है राइट, तो मे बी लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, बट मे बी अगर आप किसी इन्वेस्टर से फंड लेना चाहें तो मे बी उतना स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन नहीं होगा उनके लिए। अगर आपके स्टार्टअप का जो मार्केट है मान लीजिए फ्यू थाउजेंड या कुछ हज़ार करोड़ है तो आप थोड़ा बहुत मार्जिन ले सकते हैं। जैसे हम लोग का जो स्टार्टअप है उसका 2030 तक अराउंड $2 trillion एड्रेसेबल मार्केट है, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। सो इसमें आपका थोड़ा बहुत आप मार्जिन ले सकते हैं। अगर हम इसे हमारी भारतीय मुद्रा में देखें तो कितना लगभग किस मतलब किस नेटवर्थ को पाएंगे आप? $1 trillion लगभग 50 लाख करोड़ हुआ। सो 2030 तक जिस एरिया में हम लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं उसका जो ग्लोबल जो मार्केट है करीब 100 लाख करोड़ तक का मान सकते हैं जी। मतलब एक बहुत ही बड़ा लेवल जो रहेगा आपका, जो आपने जो एक बताया जिस तरह से कि वो मतलब उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ने वाली, जैसा कि आपने एआई पर भी बहुत विशेष कार्य किया है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके प्रोडक्ट का डिटेल बताएं, उत्पाद जो आपने तैयार किया है वो क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं जी। हम लोग का स्टार्टअप ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी यानी कि ड्राइवरलेस व्हीकल टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा गूगल, टेस्ला एंड दुनिया की जो भी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं वो ड्राइवरलेस व्हीकल पे वर्क कर रही हैं, मतलब ऐसी गाड़ी जो विदाउट ड्राइवर खुद से चल सके। सो हमारी कंपनी वो टेक्नोलॉजी का विकास कर रही है जो कि भारत जैसे जैसे अगर आप यूएस, यूरोप या कोई भी डेवलप कंट्री देखें तो वहाँ पे जो ट्रैफिक रूल होते हैं बहुत स्ट्रांगली फॉलो होते हैं, लेकिन अगर आप भारत का अगर ट्रैफिक देखें तो यहाँ पे जो ट्रैफिक कंडीशन होते हैं बहुत टफ है और हमारे जो एनवायरनमेंट जो रोड कंडीशन होते हैं वो भी उतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं है। सो भारत एक मतलब सबसे टफ एनवायरनमेंट या आप बोल सकते हैं सिचुएशन बोल सकते हैं ऑटोनमस व्हीकल्स के लिए। सो हमारी टेक्नोलॉजी का जो फोकस है वो ये है कि हमें ऐसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, एआई सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना है जो कि भारत जैसे टफ ट्रैफिक में भी ऑटोनमस व्हीकल्स को चलाने लायक बना दे। और यदि अगर आप भारत में ऑटोनमस व्हीकल चला सकते हैं तो वो दुनिया के किसी भी कोने में अपने आप चल सकते हैं जी। और तो ये इस पे मैं जानना चाहूँगी कि आपने अभी इसका एक्सपेरिमेंट किस किस जगह मतलब भारत के किन किन जगहों पर आपने किया है? बिल्कुल, हमने 10,000+ किलोमीटर्स तक इस गाड़ी की और वेरियस एल्गोरिथम जो भी हमने डेवलप किए उनका टेस्टिंग किया और अभी हमारे पास 3 व्हीकल हैं, महिंद्रा बलेरो, टोयोटा फॉर्चुनर और महिंद्रा थार, जो कि हम लोग अभी हमारे जो मेजर जो डेमो हमने पिछले कुछ सालों में 55 से भी ज़्यादा डेमो किए हुए हैं जो कि भोपाल और भोपाल के आसपास के शहरों में, इंक्लूडिंग अभी इस साल अप्रैल में हमने ऑफ रोड ऑटोनमस ड्राइविंग भी टेस्ट किया हुआ है और ऑफ रोड ऑटोनमस ड्राइविंग करने की पूरे दुनिया में केवल 4 ही कंपनीज हैं जिनमें से 2 कंपनी यूएस की हैं। सो हम लोग दुनिया के 4th स्टार्टअप हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि ऑटोनमस ड्राइविंग व्हीकल ना कि आप जस्ट सिटी या वेल पेव्ड रोड में चला सकें बल्कि ऑफ रोड में भी
जिसका एक मेजर एप्लीकेशन डिफेंस सेक्टर में हो सकता है, वहाँ पे हमने अभी इसका टेस्टिंग भी किया है जी। तो दर्शकों, देखा आपने कि जो इन्होंने बताया जिस तरह से कि स्वायत्त रोबोट जो कि एक ऑटोनोमस व्हीकल है, जिसको हम कहते हैं ड्राइवर लेस व्हीकल, जिसमें ड्राइवर सीट पर किसी भी तरह से ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, बिना ही ड्राइवर के गाड़ी रन होगी, और इतना सिस्टमेटिक आपने ये जो जो एक जो गाड़ी डिज़ाइन की है, जो कि ऑटोनोमस व्हीकल आपने तैयार किया है, उसकी जो प्रारूप है वो क्या है, किस तरह से आपने तैयार किया, वो हमारे दर्शकों को बताएं जी। किसी भी ऑटोनोमस व्हीकल में आपका जो जैसे आपके सेंसर्स होते हैं, जैसे कैमराज, लेडार्स और रेडार्स, ये सेंसर होते हैं जिनके माध्यम से ऑटोनोमस व्हीकल अपने एनवायरनमेंट को सेंस करती है। फिर उसमें जैसे हम लोग कहीं भी सिटी में किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, तो हमें गूगल मैप से किसी तरह के मैप की ज़रूरत है। सिमिलरली ऑटोनोमस व्हीकल को हाई डेफिनेशन मैप से, हाई फिडेलिटी, हम इसको टेक्निकल भाषा में हाई फिडेलिटी मैप बोलते हैं, तो ऑटोनोमस व्हीकल्स को हाई फिडेलिटी मैप्स की ज़रूरत होती है। सिमिलरली जैसे एक बार हमें पता चल जाए हमारे आसपास क्या है और हमें कहाँ जाना है, हम लोग अपने आप से मतलब वेरियस डिसीजन से, स्टीयरिंग को घुमाना, ब्रेक, स्पीड डिसाइड करना, वेरियस एक्शंस हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसके लिए प्लानिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। सो हमारी कंपनी जो हमारा जो स्टार्टअप है वो हैविली मतलब प्लानिंग परसेप्शन जो जो कि मतलब विजुअल सेंसरी डेटा को प्रोसेस करते हैं, जो एल्गोरिथम प्रोसेस करते हैं उन्हें हम परसेप्शन एल्गोरिथम बोलते हैं। सो हमारे स्टार्टअप तीनों ही फ्रंट में कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, एंड हमने ऐसे एल्गोरिथम विकसित किए हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट, जो कि दुनिया भर में जो एल्गोरिथम जो जो बन रहे हैं उनसे काफ़ी हद तक कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है, मतलब वो बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं सिमिलर एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस के लिए, और इसके अलावा भारत जैसे टफ ट्रैफिक में चलने लायक उस गाड़ी को बनाते हैं। सो हमारी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स की डोमेन में रिसर्च करती है और ऐसे एल्गोरिथम को विकसित करती है जो कि ऑटोनोमस व्हीकल को भारत जैसे अनसिक्योर एनवायरनमेंट का भी एक कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो बनाने में हेल्प करते हैं एंड भारत जैसे ट्रैफिक में चलने लायक बनाते हैं जी। तो यहाँ मैं आपने जो प्रारूप बताया उसके साथ मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें ईंधन के तौर पे आप क्या इसको बैटरी से चार्ज करते हैं या फिर फ्यूल इसमें जाता है ईंधन? क्योंकि अभी हमारे जो स्टार्टअप का गोल है वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आने वाले समय में दुनिया में बहुत सारी कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे वर्क कर रही हैं, हम लोग का जो फोकस है वो मोस्टली ऑटोनमस ड्राइविंग ड्राइवलेस व्हीकल टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस है। सो हम लोग किसी भी गाड़ी में, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या वो आपका फ्यूल से चलने वाली गाड़ी हो, हम उसमें अपनी टेक्नोलॉजी को फिट कर सकते हैं जी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपने एक बहुत बड़ा बिंदु बताया कि आपकी जो टेक्नोलॉजी, जो आपने स्टार्टअप स्वायत्त रोबोट जो तैयार किया है, वो आने वाले समय में जो बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनमें भी आप उसको वो सिस्टम जो है वो फिट कर सकते हैं। ड्राइवर लेस जो टेक्निक आपने बनाई है, जो हमारे सभी भारत के लिए जो आप बता रहे हैं एक बहुत बड़ा ट्रैफिक है, उस सिस्टम को आपने लेकर पहले सोचा कि हमारे जो देश में जो ट्रैफिक सिस्टम है और जो विदेशों में जो ट्रैफिक सिस्टम है उसमें परिवर्तन देखते हुए ही आपने ये निर्णय लिया कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है? जी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब मैं अंडरग्रेड में, तभी से मेरा एक लाइफ गोल बन गया था जी। और ये गोल था कि हमें दुनिया की सबसे टफ सिचुएशन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जी। और भारत दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रैफिक और एनवायरमेंटल सिचुएशन है ऑटोनोमस व्हीकल को टेस्टिंग के लिए। सो हम जो टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं उसका एम केवल भारत में ही नहीं बल्कि इस टेक्नोलॉजी का ग्लोबल यूज़ केस है, और इसी कारण से जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूटिलाइज करने के लिए हमारे जो जो यूरोपियन और जो अमेरिका में जो मेजर जो ऑटोमोटिव कंपनीज है उनसे हमारे कोलैबोरेशन का भी डिस्कशन चल रहा है। क्योंकि यदि अगर आप टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो कि भारत में इसको चला सकते हैं, तो दुनिया में कहीं भी चल सकते हैं। और क्योंकि मेरा लाइफ लॉन्ग गोल था और क्योंकि भारत सबसे एक टफ ट्रैफिक है, सो जब हमने स्टार्टअप किया तो नेचुरली ही दोनों का सॉर्ट ऑफ हमें कॉम्बिनेशन मिल गया कि एक तो हम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं और दुनिया के सबसे टफ ट्रैफिक में इसको प्रूव भी कर रहे हैं जी। जैसे आपने टेक्नोलॉजी पर बहुत फोकस करके आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया, मैं उन युवाओं के लिए मतलब आपसे बात करना चाहती हूँ जो जैसे कि हम देखते हैं कुछ जो युवा हैं, बेसिकली उनको सिखाया जाता है कि आपको IIT क्रैक करना है या फिर
बी क्रैक करना है, बी टेक करना है, एम टेक करना है, उसके बाद वो अपने देश में या विदेश में जाने के लिए, देश के कई और शहरों में जाने के लिए मतलब प्रयास करते हैं अपनी जॉब के लिए। तो मुझे ये बताइए कि आपने कैसे निर्णय लिया कि आपको अपने शहर में, अपने मध्य प्रदेश में रहकर ही आपको काम करना है, और जो बच्चे या जो युवा आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश से पलायन करके आप दूसरे शहरों में जाकर काम करें, या अपने मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास किस तरह से कर सकते हैं, आप अपनी जो राय है वो रखें इसके बारे में। बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर हम देश की बात करें तो जैसे लोग जब इंजीनियरिंग करते हैं तो यूजुअली या तो रिसर्च के लिए या जॉब के लिए कई बार बाहर चले जाते हैं। सो एक बार एजुकेशन, अगर आपने एजुकेशन प्राप्त कर लिया जो आपको प्राप्त करना था बाहर से, उसके बाद डेफिनेटली अगर आप कुछ सॉल्व करना चाहते हैं लाइफ में पढ़ा, तो उसके लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। किसी लोकेशन में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं किसी जगह पे कम। जहाँ तक कि भोपाल का सवाल है, तो जब मैं भारत वापस आया था तो हम लोग भोपाल में ही थे, और हर एक स्टार्टअप का एक एरिया, एक डोमेन होता है। जैसे किसी स्टार्टअप को, जैसे हम लोग का स्टार्टअप क्योंकि ऑटोनमस व्हीकल और रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा R&D कर रहा है, सो हमें रेगुलरली अपने व्हीकल को टेस्ट करना होता है, एंड भोपाल उसके लिए एक बहुत सही जगह है। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे ऑफिस से कुछ किलोमीटर दूर पे हाईवे है जहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर टेस्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग भारत के जो भोपाल में जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट है वो भी हमें सॉर्ट ऑफ मिला था। तो उसके चलते हुए यहाँ पे हमारे लिए ऑटोनमस व्हीकल को टेस्ट करना और मतलब प्रोटोटाइप डेवलप करना एक काफ़ी सॉर्ट ऑफ एक ईजी प्रोसेस हो गया था। अगर हम बात करें कि जैसे बाहर जाने की, तो डेफिनेटली मतलब जहाँ पे मतलब जैसे आपका जो डोमेन है, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मतलब आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े शहर या कहीं और जाके ही उसको सक्सेसफुल करना पड़े। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, और हमारे जो युवा आपको सुन रहे हैं कि किस तरह से अगर आपके मन में इच्छा हो कुछ नया करने की, अपना खुद का एक व्यवसाय शुरू करने की, स्टार्टअप, एक नया कुछ नया आइडिया आपको आ रहा है तो उस पर आप काम कीजिए। क्योंकि मध्य प्रदेश शासन की तरफ से भी MSME जो हमारा जो विभाग है उसकी तरफ से भी सहायता दी जाती है, अनुदान राशि, ऋण उपलब्ध किया जाता है, आर्थिक सामाजिक मदद दी जाती है। अब जैसा हम बात कर रहे हैं रोज़गार के बारे में और स्टार्टअप के बारे में हमने बात की, अब कुछ चलते हैं हमारे जो आने वाले कल के भविष्य हैं, हमारे बच्चे, उनके बारे में भी कुछ हम हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनसे हम जानते हैं, और बाल साहित्यकार हैं, आपसे जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किताबें कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं, आप ये हमारे दर्शकों को बताएं। आपने सही कहा, बच्चे हमारा भविष्य भी है और वर्तमान भी हमारा बच्चे ही है। जी, बच्चों के जीवन में पुस्तकों का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि वो एक तरह से बच्चों का मित्र बन करके रहती जी, हैं वो जी। और दादी नानी से कहानियाँ सुन करके, लोरियाँ सुन करके, प्रभातियाँ सुन करके बच्चे अपना जीवन का बहुत सारा समय छुटपन में वहीं उसी में बताते हैं जी। और फिर बाद में उनके जो दोस्त बनते हैं, मित्र बनती हैं, वो बनती हैं उनकी पुस्तकें। महापुरुषों की पुस्तकें पढ़कर के बच्चों ने हमेशा ही अपने जीवन का निर्माण किया है। पुस्तकें बच्चों को एक तो शिक्षा तो देती ही हैं, खैर वो जी। लेकिन कैसे उनको शुद्ध कैसे लिखना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, और कल्पनाशीलता का उनको एक वो भाव देती है कि किस तरह से यदि एक बच्चे ने 10 कहानियाँ पढ़ ली हैं किसी भी पुस्तक में, तो आप ये समझ लीजिए कि वो ज़रूर एक ना एक कहानी लिखने के लिए प्रेरित होगा। इसी तरह से अगर बच्चे ने कुछ कविताएं अच्छी पढ़नी है तो उनसे भी प्रेरणा ग्रहण करके वो भी लिखना प्रारंभ करेगा जी। तो जैसे आज के युग की बात करें हम, तो आज टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड हो गए, हमारे आसपास का वातावरण बहुत ही ज़्यादा गैजेट फ्रेंडली हो गया है। उसको देखते हुए बच्चे कंप्यूटर, लैपटॉप हुआ, मोबाइल्स हुए या और भी चीज़ें जो गैजेट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं।
तो उन्हें उनसे दूर करके किताबों पर, जो कि किताबों से उनका मोह हट चुका है, हर चीज़ आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उसकी तरफ आकर्षित, क्योंकि एक पुस्तक पढ़ने का महत्व बहुत अलग होता है, और अगर हम इंटरनेट से देखें और कहीं भी अगर हम देखें गैजेट से पढ़ना या उनको स्टोरीज को देखना, एक एडवांस फॉर्म है, लेकिन किताबें पढ़ना जीवन में बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा ये कहना है कि गैजेट हो या मोबाइल हो या कुछ भी कंप्यूटर हो जी, ये कोई भी पुस्तक का स्थान कभी नहीं ले सकते जी। पुस्तक पुस्तक होती है और पुस्तक में जो ज्ञान संचित है वो प्रामाणिक होता है। ये कभी कभी गूगल की जानकारी भी हमको कभी कभी गलत साबित हुई है और हो जाती है जी। क्योंकि पुस्तक जो है वो एक तो आपके ज्ञान की वृद्धि करती है जी। और जब आप इन यंत्रों पर देखते हैं, टेक्निकल चीज़ों के ऊपर, तो आपकी आंखें भी खराब होती हैं बच्चों की, यानी बिल्कुल। अब बच्चों को किस तरह से हम इस तरह मोड़ें, आज हर बच्चा किसी को भी जरा कोई बात होती है तो सीधा वो उसमें देखते हैं, वो जाकर तो उससे मैटर ग्रहण कर लेते हैं, जबकि होना ही चाहिए कि उनको पुस्तक से अपने लिखना चाहिए, देखना चाहिए जी। अब पुस्तकों की तरफ उन बच्चों को कैसे उन्मुख करें, उनको किस तरह से प्रेरित करें, तो इसमें मेरा ये मानना है कि इस सब के लिए माता पिता की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है ये जी। आखिर होता क्या है कि हम स्वयं ही तो बच्चों को कोई पुस्तकें नहीं देते हैं पढ़ने के लिए जी। हम जब छोटे थे या और परिवारों में देखो आप, पहले नंदन, चंदा मामा, चंपक जी, चाचा चौधरी, इस तरह की बहुत सारी किताबें हमारे घरों में माता पिता ला करके देते थे जी। आज भी अगर कोई माता पिता अपने घर में दो मैगजीन भी लाए, और कोई बहुत महंगी नहीं आती है, 60-70-80 रुपये में दो आ जाएंगी जी। अगर दो मैगजीन टेबल पे घर पे रखी होंगी तो मेरी ये गारंटी है कि कोई बच्चा बिना पढ़े उन कहानियों कविताओं को रह नहीं सकता। जब कहानियाँ पढ़ेगा, चुटकुले पढ़ेंगे, पहेलियाँ पढ़ेंगे, तो निश्चित ही बच्चों का जो ज्ञान वर्धन होगा वो इस तरह के यंत्रों के द्वारा नहीं मिल सकता जी। बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि हम एक और स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत ही सुंदर वाक्य कहा है कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और ये जो परिकल्पना है वो कहीं ना कहीं तब सार्थक होती है जब हम खुद किताबें पढ़ेंगे, हम खुद किताबों की प्रति एक अपनी दिनचर्या में शामिल करें कि हमें रोज़ दो पेज या चार पेज जितना भी समय मिले उसमें से हमें पुस्तक पढ़नी है, तो मतलब एक ऑटोमेटिकली ये चीज़ हमारे बच्चों के अंदर भी आएगी और वो किताबों की तरफ आकर्षित होंगे। अपने माता पिता से बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और जैसा कि महेश प्रसाद जी ने, सक्सेना सर ने बताया कि बच्चों का आकर्षण किताबों के प्रति होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर भी देखें तो बच्चों को नुकसान ही है हम अगर गैजेट्स दे देते हैं, उनको गैजेट्स से फ्रेंडली कर रहे हैं। अच्छी बात है, हमें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन अत्यधिक सेवन हानिकारक, एडिक्ट नहीं होना चाहिए इसका जी। तो अब आपकी जो बाल साहित्य की जो आपने किताबें लिखी हैं उसमें से कुछ चुनिंदा जो आपकी बहुत ही सुंदर कविताएं हैं जो आपने बच्चों को लेकर लिखी हैं, तो आप, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं आप कहें तो पहले पहली बताऊं मैं जरा जी जी पहली आप सुनाएं। तो आज अभी आपने लक्ष्मी बाई का भी जिक्र करा था जी, तो पहली है इस तरह से, कौन थे रानी झांसी की जो थी स्वतंत्रता सेनानी, और भूल न सकते भारतवासी जिसकी अमर कहानी। वाह, और ये एक पहेली है और इसका ऐसे बहुत सारी पहेलियां आप अपनी पुस्तक में। अब वो कौन रानी थी झांसी की, तो बच्चे कहेंगे रानी लक्ष्मीबाई थी जी, है ना। कविवर गुरुदेव कहाते जी, प्राप्त किया नोबल पुरस्कार वो शांति निकेतन में किसकी, कीर्ति बोलो आज भी है साकार। वाह, बहुत बढ़िया। अब इसमें बच्चे को ये भी पता लग रहा है कि नोबल पुरस्कार क्यों मिला जी, किस बात से मिला था, अपने टीचर से पूछेगा वो, और शांति निकेतन कहाँ है। तो इस तरह से ऐसी एक पहेली है, नरेंद्र नाम बचपन का जी, शिकागो में जाकर जमाई धाक, और समुद्र बीच कन्याकुमारी में किसके नाम पर है रॉक, बताओ बच्चों। तो वो
उनको ही पता चलता है कि इन चारों पंक्तियों में चार ज्ञान है उसको बच्चे को। बिल्कुल, और आपकी जो पहेलियां हैं उसमें बच्चों को कुछ ना कुछ सामान्य ज्ञान की चीजें भी समझ में आ रही हों, और खेल खेल में आपने पहेलियों के द्वारा बच्चों के लिए जो बहुत सुंदर पहेलियां लिखी हैं वो मतलब काबिले तारीफ है, मुझे बहुत पसंद आई हैं। महापुरुषों पर ही हैं जी। तो आप कोई कविता हो तो आप सुनाएं हमारे दर्शकों को। हाँ, कविता मैं सुनाता हूँ ना जी। अब कविता एक तो देखिए आजकल क्या है कि रिश्ते बहुत सारे खत्म होते जा रहे हैं जी। अब कविता तो बहुत सारी, कौन सी सुनाऊं जी जी। आज बच्चे बहुत सारे, आज मौसी नहीं है परिवारों में, मामा नहीं है, जो जिस तरह छोटे परिवार होते जा रहे हैं जी। तो मेरी एक कविता है, पापा के पापा, पापा के पापा दादाजी जी, वो पापा की मम्मी हैं दादी जी, पापा को भी खूब डांटती है दादी की ऊंची है गादी। परिवार में दादी के ही महत्व सबसे ज़्यादा होता है। पापा जी के बड़े भाई को ताऊ कहना हमें सुहाता, पापा के छोटे भाई को चाचा कहना मन को भाता जी। सब रिश्ते आ रहे हैं इसमें। पापा जी की बड़ी बहन हो या छोटी हो, सिर्फ बुआ है जी। मीठी मीठी बातें करके दोनों देती खूब दुआ हैं। अब मम्मी के रिश्ते से देखिए आप, मम्मी के पापा, मम्मी के पापा मम्मी को हम कहते हैं नाना नानी, उनके घर जाने पर समझो खुशियां मिल जाती मनमानी। मामा जी तो मामा जी हैं, मामा जी तो मामा जी हैं, मामी मम्मी जी के भैया मामा जी, दौड़ दौड़ कर जब जाते हम ले लेते कैया मामा जी, कैया ले लेते जी। मम्मी जी की बहन हमारी लगती है प्यारी मौसी जी, माँ की सूरत जैसी है पर माँ से भी न्यारी मौसी जी। तो ये जितने भी हमारे रिश्ते हैं बिल्कुल, और ये इस कविता के माध्यम से आपने ये भी बताया कि हमारे यहाँ जो एक पैटर्न अभी बढ़ता जा रहा है, आप देखेंगे कि न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग एकल परिवार की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। संयुक्त परिवार का जो एक मज़ा होता है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हमें आज समझ में नहीं आता है, जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तब ये चीज़ें समझ में आती हैं कि संयुक्त परिवार रिश्ते कितने के रिश्ते जो कि ख़त्म से हो चुके हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उनकी तरफ हमें सोचना चाहिए और आकर्षित होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, तो हमें इसको हमारे जीवन से दूर करने की बजाय हमें उनके साथ रहने की ज़रूरत है, उसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। चलिए, अब थोड़े परिवार की बात हो गई है, अब हम बात वापस लौट कर आते हैं, जैसा कि हमारा जीवन में परिवार ज़रूरी है तो रोज़गार भी ज़रूरी है, एक दिनचर्या चलाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, तो जैसा आज हम रोज़गार की बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप की क्या भूमिका है, तो हमारे साथ संजीव शर्मा जी हैं। संजीव जी, जैसा हम बात कर ही रहे हैं कि आपने एक सोच लेकर, आप जैसा आपने भारत का जो चलन देखा, यातायात की जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखकर आपने सोचा कि आने वाले समय में जो एआई के जो थ्रू आप एक टेक्निक लेके आए हैं, हमारे जो सभी जो भारतवासियों के लिए एक बहुत गौरव का विषय है कि जो संजीव जी ने जो आज से 2011 में जो एआई पर जो काम कर चुके हैं वो आज चलन में धीरे धीरे आ रहा है, तो हमारा देश कहाँ जा रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, ये हमें संजीव जी ने बताया, उन्हीं की बातों से मैंने जाना कि वो एआई पर 2011 में काम कर चुके हैं। तो अब जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपने जो काम किया, जो स्टार्टअप जो शुरू किया, उसमें आपको विदेशों से और जो हमारे देश से किस तरह का सहयोग और सपोर्ट मिला, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जैसे कि हम पहले बात करते हैं भारत से सपोर्ट, तो जैसे हम भोपाल में 2018 में हमें भोपाल स्मार्ट सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर में ऑफिस की सुविधा प्राप्त हुई थी, जो कि हमारा सबसे पहला, आप बोल सकते हैं, एक 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 प्रोफेशनल ऑफिस भी था। 2020 में हमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी से 10 लाख रुपीस का ग्रांट भी मिला था, और 2021 में हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से $3 मिलियन, जो कि 22 करोड़ रुपए हैं, उतने का हमें निवेश प्राप्त हुआ है, फंडिंग मिली है।
सो हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो US बेस्ड इन्वेस्टर, सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, और अभी हमारी कंपनी की जो वैल्यूशन है वो 553 करोड़ है, 75 मिलियन डॉलर्स। सो ये फंडिंग हमें 2021 में अपनी टेक्नोलॉजी को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए मिली है, ताकि हम इस टेक्नोलॉजी को ना कि केवल एक प्रोटोटाइप के फॉर्म में बल्कि पूरे भारत एंड परहैप्स इंडिया के बाहर भी स्केल कर सकें। इसके अलावा हमें 2019 में फंडिंग से पहले भी जैसे विदेश में जो बहुत बड़ी बड़ी जो ऑटोमोटिव जो कंपनीज होती हैं और जो स्पेसिफिक ऑटोनमस व्हीकल में बहुत स्पेसिफिक सेंसर यूज़ होते हैं जिसको हम लिडार बोलते हैं, तो 2019 में वर्ल्ड की जो मेजर लिडार कंपनी थी वहाँ से भी हमें सपोर्ट मिला था, उन्होंने हमें लिडार सॉर्ट ऑफ डोनेट किए थे फर्दर रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। और आज भी अगर आप देखें तो भारत में जो भी ऑटोमोटिव OEM प्रेजेंट है, बहुत से OEM जिनका मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, उनकी तरफ से हमें सॉर्ट ऑफ उनसे हमें कोलैबोरेशन की बात चल रही, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी का यूज़ केस है वो बहुत बहुत ज़्यादा वाइड है। जैसे इस टेक्नोलॉजी का यूज़ केस आप सिविल डोमेन में आप देख सकते हैं, ऑटोनमस व्हीकल के फॉर्म में यूज़ हो सकता है, बट इसका यूज़ केस ऑलरेडी जैसे डिफेंस सेक्टर मैंने बताया था, ऑफ रोड हम ऑटोनमस टेक्नोलॉजी पर वर्क करें तो डिफेंस सेक्टर में इसका यूज़ केस है, इंक्लूडिंग आप देख रहे हैं अभी के टाइम पे एक ADAS और ऑटोनमस ड्राइविंग का बहुत डिस्कशन चल रहा है भारत और विदेश में। सो बहुत सारी कंपनीज है जिनका प्रेजेंस भारत में और बाहर है, उनसे हमारा डिस्कशन चल रहा है हमारी तरफ से ADAS टेक्नोलॉजी और ऑटोनमस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए। जी, तो अभी आपने हमें बताया कि जो हम मतलब जो अभी जो आपके व्हीकल्स जो वाहन हैं आप उनको रोड पर ड्राइवर लेस करके आप अपने जो टेक्नोलॉजी उसको बना रहे हैं, क्या भविष्य में ऐसी संभावनाएं हैं कि जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं या जो लड़ाकू विमान हैं उसमें भी ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल, अगर आप देखें जो आपके फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन जो फाइटर जेट होते हैं उनमें काफ़ी कुछ जो 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 पायलट का कॉकपिट होता है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी मतलब AI यूज़ होता है जो कि पायलट को बहुत सारी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं, और आने वाले समय में जैसे अगर आप एरोप्लेन की बात करें तो ऑलरेडी एरोप्लेन्स में ऑटो पायलट सिस्टम होता है, उसमें TCAS सिस्टम होता है जो कि आपका कोलिजन अवॉइडेंस करता है, इंक्लूडिंग जैसे अभी आपने देखा होगा अभी ट्रेन का हादसा हुआ था। सो भारत में अभी इस पर भी विचार चल रहा है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ केस क्या हम ट्रेन में कर सकते हैं, ताकि अगर मान लीजिए आगे आने वाली रेल की पटरी अगर आपकी ब्रोकन है या कुछ एक एक एक, एक परसीव्ड कोलिजन सिनेरियो बन रहा है तो क्या हम TCAS या कोलिजन अवॉइडेंस या ऑटोनमस ट्रेन टेक्नोलॉजी का कुछ कंपोनेंट यूज करके क्या हम ट्रेन्स को भी ऑटोमेट कर सकते हैं, क्या हम उन्हें एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। सो इस टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली बहुत यूज केस है, और इंक्लूडिंग जैसे आप ड्रोन में देखें जैसे हमारी कंपनी क्योंकि ऑटोनमस व्हीकल में तो काम कर रही है बट एक AI एक बहुत बड़ा डोमेन है, AI का इस सदी का सबसे टफ प्रॉब्लम है ऑटोनमस ड्राइविंग, जिस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यदि अगर आप इतने टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो इस टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली और भी बहुत कुछ यूज़ किया, जैसे कि ड्रोन्स में बहुत डेफिनेटिव यूज़ केस है। तो हमारा जो स्टार्टअप है वो अभी ड्रोन के क्षेत्र में भी इस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने का हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में भारत के डिफेंस सेक्टर में काफ़ी एक अहम भूमिका एक अहम रोल प्ले कर सकता है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी कि आने वाले जो समय में ऑटोनॉमी जो आपने व्हीकल का जो एक जो जो प्रोडक्ट आपने तैयार किया है, आपने जो एक टेक्नोलॉजी तैयार की है, उस टेक्नोलॉजी से आने वाले भविष्य में डिफेंस सेवा में भी आप जो लड़ाकू विमान हैं या जो थल सेना के जो भी जो क्राफ्ट होते हैं जो भी वहाँ के जो विमान होते हैं उनको लेकर भी जो आपने बताया कि आपकी जो टेक्निक है वो काम करेगी और एयरक्राफ्ट में भी ये टेक्निक काम करेगी। तो और एक साथ में चीज़ आपने मुझे बताई कि उड़ीसा में जो अभी हादसा हुआ था, जो ट्रेन जो क्रैश हुई थी, उसके लिए आपने बताया कि जो पटरी से उतरने की जो सिचुएशन आपने बताई कि वो आपको आपके जो अगर आपकी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है तो उससे पहले ही पता चल जाएगा कि कुछ खराबी है आगे, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे क्योंकि हमारा जो जैसे हर एक स्टार्टअप होता है उसका एक बहुत लिमिटेड फोकस होता है। सो हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं वो बहुत ब्रॉड है, जैसे आप अगर आप एक नॉर्मल रोबोटिक सिस्टम की बात करें तो मे बी आपको 2 या 3 एरिया में रिसर्च करना होगा, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर स्टार्टअप में वर्क करें तो मेनली जो आपका जो स्टार्टअप का जो मेन फोकस होता है कस्टमर सेंट्रिक ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग का R&D स्टार्टअप है तो हम लोग मतलब 17-18 डिफरेंट एरियाज ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में रिसर्च करते हैं, जो कि एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है अपने आप में, और इस टेक्नोलॉजी का कुछ कंपोनेंट्स है जो कि ट्रेन की ऑटोनॉमी में यूज़ किया सकते हैं। जैसे अभी अगर आप
ट्रेन का अगर आप देखें जो रेनोवेशन के जो जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स और जो गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि ऑटोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। सो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है 1:1 आज के टाइम पे एप्लीकेबल है, बट आने वाले समय में डेफिनेटली हम लोग इस टेक्नोलॉजी का एक कंपोनेंट अगर मौका दिया जाए तो हम इस टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट यूज़ करके ट्रेन की ऑटोनॉमी पे भी वर्क कर सकते हैं, जिससे ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो ऑटोनॉमस व्हीकल उसमें लिडार और कैमराज यूज़ हो सकते यूज़ होते हैं, और हम लोग ऐसे एल्गोरिथम डेवलप करते हैं जो कि रोड की कंडीशन को पहले से ही पढ़ के व्हीकल का जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है उसको मतलब जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि व्हीकल को कैसे, जैसे एक इंसान गाड़ी को चलाता है रोड को देखते हुए कि आगे गड्ढे आने वाले हैं स्पीड ब्रेकर है तो हमें स्लो डाउन होना है या स्पीड अप होना है, सेम तरह के डिसीजन एक एक जो हमारी टेक्नोलॉजी वो ऑटोनॉमस व्हीकल्स को लेन लाइक बनाती है। सो इस टेक्नोलॉजी का अगर मान लीजिए आगे पटरी खराब है या मान लीजिए ब्रोकन है, कई बार ऐसा भी होता है तो उसको पहले से ही प्रीएम्प्टिवली डिटेक्ट किया जा सकता है। सो ये एक यूज़ केस हो सकता है इस टेक्नोलॉजी का, और भी बहुत सारे यूज़ केस हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी उसका मेन फोकस अभी ऑटोनॉमस ड्राइविंग है तो हम लोग डेफिनेटली इसका फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छी एक जानकारी, एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी हमारे संजीव शर्मा जी ने जो बनाई है स्वायत्त रोबोट के नाम से, उसका आने वाले समय में और ज़्यादा इस्तेमाल है होगा ही, और ये डेफिनेटली होना ही है क्योंकि जिस तरह से ऑटोमोबाइल हो या कोई भी क्षेत्र हो बैटरी लेस गाड़ियाँ हो गई हैं तो ड्राइवर लेस गाड़ियों का जो जो एक पैटर्न आप लेके आए वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। अब मैं चलते चलते जो हमारे आप महेश प्रसाद जी सक्सेना जी जो हमारे साथ हैं, आप बाल साहित्यकार हैं, हमारे जो बच्चे आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं संदेश क्या, एक साहित्य से जुड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक मेरा आग्रह हमेशा बच्चों से रहता है कि बच्चों को पुस्तकों से जुड़ना चाहिए और अच्छी पुस्तकें लाने के लिए अपने माता पिता से भी कहना चाहिए कि बाल मैगजीन्स जो आती है ना, बाल पत्रिकाएँ उनको, और दूसरा ये कि बच्चों को सुलेख रोज करना चाहिए, निकम चाहे एक पेज लिखें या दो पेज लिखें ताकि शुद्ध लिखना सीखें। शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब आप अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपकी कल्पनाशीलता बढ़ेगी और रोचक बाल कहानियाँ, रोचक कविताएँ पढ़ करके जो आपका ज्ञान वर्धन होगा वो कहीं अन्यत्र नहीं मिल सकता, इसलिए पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, खेलकूद भी करना चाहिए लेकिन पुस्तक को अपना साथी बनाइए। बिल्कुल। और अब चलते चलते संजीव जी, सबसे पहले तो मैं बहुत ही सीमित शब्दों में चाहती हूँ कि आप अपने युवाओं को जो आपको सुन रहे हैं उनको संदेश दीजिए, और साथ ही पहले ये बताइए कि आपकी कंपनी की आज जो नेटवर्थ है वो क्या है? हमारी कंपनी की जो आज की जो नेटवर्थ है वो $75 मिलियन है, जो कि 553 करोड़ इंडियन रुपीज़ के बराबर है। जी, और आप चलते चलते युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आप कुछ यूनिक प्रॉब्लम पे वर्क करें तो डेफिनेटली लाइक आपकी जो ट्रिजेक्ट्री है, जो आपका रास्ता है वो इजी नहीं होने वाला है, बट ये मैटर करता है कि आप कितना मतलब परसिस्टेंस और आप कितना इंटेंसिटी के साथ वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी और डेप्थ और परसिस्टेंस ये तीन एलिमेंट है जो कि किसी भी क्षेत्र में हमें सक्सेसफुल बनाते हैं। और यदि अगर आप स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं तो मेरा एक सुझाव ये है, जो मैं पर्सनली भी करता हूँ, कि आप मेडिटेशन करिए, वो आपको बहुत सारी लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनसे मतलब उनको फेस करने में हेल्प करेगा। जी, तो दर्शकों आज हमने बातचीत की कि रोज़गार की स्टार्टअप जो है वो क्या भूमिका है रोज़गार के लिए, उस पर बातचीत की, और हमारे साथ थे स्टार्टअप में जो स्वायत्त रोबोट के CEO फाउंडर संजीव शर्मा जी, जो कि हमारे साथ थे, और हमारे साथ थे बाल साहित्यकार महेश प्रसाद जी सक्सेना। तो आप दोनों का ही हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आज का जो कार्यक्रम है आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, हमारे फेसबुक पेज पर आप बता सकते हैं और साथ ही आप बता सकते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, और कैसी लगी आपको हमारी आज की जानकारी हम ज़रूर जानना चाहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी सुमिता सिरोठिया को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।